सो श्री आनंद शर्मा जी, श्री आनंद शर्मा जी, श्री आनंद शर्मा जी ऑलरेडी एलओपी हैज एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, सो माननीय आनंद शर्मा जी प्लीज, माननीय आनंद शर्मा जी प्लीज जी, माननीय आनंद शर्मा जी फर्स्ट स्पीकर, पहले आप बोल तो दें अपनी बात। मैं माननीय आनंद, एक मिनट एलओपी को सुन ले, एक मिनट के। Made a speech. Sir. I am not going to make a speech. He will make a speech. But my request is that this is a very important matter. It pertains to crores of people's lives, and the crores of rupees are invested. Nearly 58 companies are involved in this. Therefore, we are requesting you refer this bill to standing committee. Yeah. And please, everything please. Will come out. Right, sir, and please. Even the OBC, SC, ST, and please other people are now. Also dying. You have put your point, sir. Please take your time. Just I will explain. One minute, please. Before I invite, please, before I invite Sri Anand Sharma ji, just 1 minute, please take your seat. Please, sir. ऑलरेडी यू नो, यू ऑलरेडी नो, आप सब जानते हैं कि कमिटी का स्टेज माननीय चेयरमैन साहब अगर सरकार एग्री कर दिए तो उनके साथ है या आप देते हैं, तो आप मेंबर्स ने अगर अमेंडमेंट दिया होता सेलेक्ट कमिटी के लिए तो आपने दिया नहीं। माननीय आनंद शर्मा जी नाउ दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द हाउस, हाउस विल डिसाइड बाय डिस्कशन। माननीय आनंद शर्मा जी प्लीज सर रिक्वेस्ट नाउ टू श्री अरुण सिंह जी उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूँ। हम सभी का लक्ष्य है कि जो देश के गरीब है उनको भी सुरक्षा कवच दिया जाए, जो देश के किसान है उनको भी सुरक्षा कवच दिया जाए, वह बीमा के माध्यम से दिया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि 6 दशक से अधिक, 60 साल से अधिक कांग्रेस ने इस देश में शासन किया, लेकिन न किसानों को सुरक्षा देने का काम किया किसी प्रकार का, न तो गरीबों को किसी भी प्रकार का सुरक्षा बीमा देने का काम इन्होंने नहीं किया। और तो और यह पहली बार नहीं हुआ है कि यह जो इंश्योरेंस एक्ट है इसमें अमेंडमेंट हुआ है, यह लगातार समय समय पर होता रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भी पहले 256 कंपनियां थी, उनको मर्ज करके LIC का गठन हुआ, LIC बनी, उसके बाद 107 कंपनियों को मर्ज करके 4 इंश्योरेंस कंपनी बनी। मानवर यह इसलिए भी आवश्यक है कि जिस प्रकार से इंश्योरेंस का दायरा बढ़ रहा है और जिस प्रकार से आवश्यकता बढ़ रही है, इसलिए आवश्यक है कि इसमें लॉन्ग टर्म कम कैपिटल भी आए और टेक्नोलॉजी का भी अधिक से अधिक उपयोग हो। आज मिडिल क्लास इनकम का भी, मिडिल क्लास जो लोग हैं उनका भी इनकम धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका सीधा साधा अगर उदाहरण देखें तो जो 2013-14 में 3,31,00,000 रिटर्न फाइल होती थी, आज 6,48,00,000 रिटर्न फाइल हो रही है। इसके अलावा भी अगर देखें तो एक न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है, लोग अलग अलग रहना शुरू किए हैं, इसलिए उनको जो उनके अप्लायंसेज है उसमें भी जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है, चाहे TV हो, फ्रिज हो, मोटर व्हीकल हो, इन सब का भी इंश्योरेंस होना चाहिए। लेकिन इंश्योरेंस तो हो, इंश्योरेंस सस्ता कैसे हो, उनको सस्ता कैसे उपलब्ध हो, इसके लिए आवश्यक है कि जब तक इस क्षेत्र में बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तब, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तब तक यह न इंश्योरेंस सस्ता होगा न लोगों को सस्ता यह उपलब्ध होगा। मैं बताना चाहूँगा माननीय आपके सामने कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसको माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आगे चलकर सभी किसानों को के बढ़ चढ़ करके देने का काम किया।
23 करोड़ से अधिक जो कि देश के किसान है उनका एप्लीकेशन वो एप्लीकेंट है वह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत है। और तो और मैं यह बताना चाहूंगा, यहाँ विपक्ष के लोग भी है, 17,450 करोड़ रुपए अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम दिया गया है तो 90,000 करोड़ रुपए से अधिक किसानों को बीमा के माध्यम से पेमेंट भी हुआ है। इसी प्रकार से जो गरीब थे उनका एक्सीडेंट हो जाता था, उनको किसी प्रकार का सुरक्षा बीमा का कोई कवच नहीं था। ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने गरीबों की चिंता की, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री जो सुरक्षा बीमा योजना इसको लागू किया, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 9.5 करोड़ और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के अंतर्गत 21 करोड़ लोगों का बीमा हुआ है। विपक्ष ने 60 साल इस देश पे राज किया लेकिन इन्होंने न तो किसानों की चिंता की न गरीबों की चिंता की। अगर कोई इसकी चिंता किया है तो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मानवर में बताना चाहूंगा कि यह इनको भी यह ध्यान होना चाहिए कि अगर इसमें अमेंडमेंट किया है तो अमेंडमेंट के साथ साथ बहुत बड़ा सेफ गार्ड भी किया है। जब हम 74% की एफडीआई की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं उसे के साथ साथ यह भी है कि 50% से अधिक 50% से अधिक डायरेक्टर होंगे और इंडियन रेजिडेंट होंगे, रेजिडेंट इंडियन होंगे। इसी के साथ साथ जो की पर्सनल है जो वह भी उसमें भी 50% से अधिक रेजिडेंट इंडियन होगी। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं 50% से अधिक उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। पूरी की पूरी जो कंपनी होगी जिसमें एफडीआई का इन्वेस्टमेंट होगा वो पूरी तरीके से अगर कंट्रोल में रहेगी तो भारतीयों के कंट्रोल में रहेगी। मुझको लगता है कि विपक्ष के लोगों ने बिल को पढ़ा ही नहीं ढंग से और ना ये समझ पा रहे हैं। पूरे के पूरे कंट्रोल मैनेजरियल कंट्रोल अगर कोई रहेगा तो भारत के रेजिडेंट इंडियन का ही रहेगा, यह भी इसमें प्रावधान है। इसके अलावा जो दो प्रकार की मान्यवर कैपिटल इसमें होती है, यह एक तो जो हमारा पॉलिसी होल्डर और दूसरा होता है शेयर होल्डर जो फंड। पॉलिसी होल्डर के फंड को आपको सब मालूम ही है कि कोई उसको छू नहीं सकता, जो शेयर होल्डर फंड होगा उसी में से डिविडेंड दिया जाएगा। और इस बिल में यह भी प्रावधान है कि सर्टेन परसेंटेज जो है वह रिजर्व में रखा जाएगा, शेयर होल्डर फंड में से पूरा का पूरा डिविडेंड नहीं दिया जा सकता। मुझको लगता है कि आज यह आवश्यक है कि इस क्षेत्र में जब टेक्नोलॉजी जब बाहर के इन्वेस्टमेंट आएंगे तो उसके माध्यम से कंपनियों का एक बड़ा टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी क्वालिटी ग्लोबल टेक्नोलॉजी भी ले आएंगे और जब टेक्नोलॉजी ले आएंगे तो उसके माध्यम से इंश्योरेंस सस्ता होगा। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे यहाँ जब गाड़ी का इंश्योरेंस होता है तो गाड़ी के इंश्योरेंस में केवल यह देखते हैं कि गाड़ी का मॉडल क्या है, गाड़ी का मेक क्या है, लेकिन यह बाहर जब इंश्योरेंस होता है तो यह देखते हैं उसको चलाता कौन है, खुद चलाता है या कोई ड्राइवर चलाता है। इसके अलावा यह भी देखते हैं कि कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि गाड़ी को चलाने वाला कोई ड्रंक करके चलाया हो, जो भी चलान खड़े होने की अनुमति नहीं अपनी सीट पर जाए। अलग अलग और इस तरह के दृश्य देश के सामने वो देख रहे हैं, लोगों की आस्था क्या होगी उच्च सदन के बारे में क्या सोचे, या जो अन्य अपनी सीट पर जाए। जब उनके पास मौका था अमेंडमेंट देने का सड़क कमेटी के लिए, उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया। अब यह हाउस की प्रॉपर्टी और हाउस ही तय करेगा भाई भाई डिसीजन उसमें कि किस रूप में ये बिल क्या होगा, कम से कम होगा जिसे अधिक से अधिक लोग इसको उपयोग कर सकेंगे। इस अमेंडमेंट का एक लाभ यह है कि आप सबको ध्यान ही होगा कि जिस टेलीकॉम क्षेत्र में जब एफडीआई 100% आई तो धीरे धीरे जब उसमें टेलीफोन का रेट 20-30 रुपए कॉल होता था, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट आया कंपनियों का रुख बढ़ा
तो उस समय करके धीरे धीरे उसका कॉल रेट गिरता गया। आज फ्री में भी कॉल करने की सुविधा है। अगर यह संभव हुआ है तो इसलिए संभव हुआ है क्योंकि बाहर की टेक्नोलॉजी भी आई, बाहर का इन्वेस्टमेंट भी आया और उसका लाभ आम कंज्यूमर को मिला है, यह मैं बताना चाहूंगा। इसलिए इसमें भी इस प्रकार से यह लाभ होगा। मैं बताना चाहूंगा मानवराव आपको कि आज लोगों को स्वास्थ्य कार्ड मिलना चाहिए, लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिलना चाहिए और सस्ते में स्वास्थ्य सुविधा ले। यह जो सामने विपक्ष है इतने साल भी लोगों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं दे पाए। गरीब दम तोड़ देते थे लेकिन उनका इलाज नहीं होता था। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने गरीबों की चिंता की और कहा कि सभी गरीबों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड की सुविधा ले आएंगे और ले भी आए। आज 1.5 करोड़, मैं बताना चाहूंगा, 1.5 करोड़ से अधिक लोग आयुष्मान भारत के अंतर्गत गरीब इलाज करा चुके हैं। और इस बजट में भी अगर देखें, यह जो बजट आया है इस बजट में भी सबसे अधिक पैसा अगर प्रोविजन किया गया है तो स्वास्थ्य सुविधा के लिए 3,37,000 करोड़ रुपए का इसमें आवंटन किया गया। अब आप बताइए अगर 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड देना है और उस हेल्थ कार्ड के माध्यम से सभी को गरीबों का इलाज हो तो क्या उस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं है क्या? क्या उस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है क्या? तो इसलिए जब वहाँ टेक्नोलॉजी का भी उपयोग हो गया तो अच्छी तरीके से हेल्थ की सर्विसेज भी, उनको स्वास्थ्य सुविधा भी मिलेगी और इसी के साथ साथ उनका जो इलाज है उनका सेटलमेंट है, बिल सेटलमेंट है, वह भी अच्छी तरीके से हो पाएगा। नहीं तो कल्पना करिए, हर ब्लॉक पे अब मेडिकल सेंटर खुलने वाले हैं और हर जिले में क्रिटिकल यूनिट सेंटर खुलने वाली है, 28,000 से अधिक वेलनेस सेंटर खुलने वाले हैं। अगर टेक्नोलॉजी इस क्षेत्र में नहीं आती तो अगर इसके आप कल्पना करें किस प्रकार से लोगों को, दूर दराज के लोगों को इलाज कराया जा सकता है। और तो और उनके बिल के सेटलमेंट कैसे होगी? आज मैनुअल सेटलमेंट होती है, मैनुअल सेटलमेंट के कारण क्या होता है, इसमें घोटाला होता है। लेकिन जब ग्लोबल टेक्नोलॉजी आ जाएगी, अलग अलग तरीके से जो बिल्स होंगे उनके मैपिंग करेंगे तो न इसमें घोटाला होगा और सभी को स्वास्थ्य सुविधा फ्री मिलेगी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यह जो बिल ले आया है ये सीधे गरीबों को लाभ देने के लिए ले आया गया है। अच्छी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा। मैं ये बताना चाहूंगा आज से 7-8 साल पहले भी अगर देखें, जब यूपीए की भी सरकार थी तो लोग बीमा के लिए जाते थे तो एजेंट आते थे, उनको अलग अलग प्रकार के समझाते थे, कुछ को समझ में आता था, कुछ को नहीं समझ में आता था, एजेंट फिर उसके बाद उनका बीमा करके चले जाते थे। लेकिन आज यह व्यवस्था है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ऐप के माध्यम से, कोई भी व्यक्ति जो बीमा खरीदना चाहता है वह जा करके कंप्यूटर पे ऑन करके, मोबाइल पे ऑन करके, ऐप को ऑन करके वह देख सकता है कि कहाँ सस्ता बीमा मिलेगा और क्या क्या उस पॉलिसी के साथ चीजें हमको मिलने वाली है। वह अच्छी तरीके से टेक्नोलॉजी के कारण वह बीमा 10 मिनट के लिए सदन और स्थगित 10 मिनट के लिए सदन और स्थगित